मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जूते हैं, बेल्ट्स हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट यू यूज़ देम एंड यू आर सो कंफर्टेबल विद इट, एंड जब कुछ टूट जाता है यू आर नॉट, वी डोंट हैव गुड प्लेसेस जहाँ पे वी कैन रिपेयर इट। सो आई एम ग्लैड दैट दे ऐसी एक जगह भी बनी है जहाँ पे हमारी बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें रिपेयर हो जाएगी और हम उसे दोबारा यूज़ करेंगे, क्योंकि एक लगाव हो जाता है, कंफर्ट जोन हो जाता है। जैसे जूते हैं, आप थोड़े दिन पहनते हो, यू यूज टू देम, दे बिकम मोर कम्फर्टेबल। सो उसके बाद अगर कुछ टूट जाता है तो यू फील रियली सैड, यू हैव नो चॉइस बट टू थ्रो इट अवे। बट ज़पैटो ने ये जो शुरुआत की है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरी बहुत सारी चीज़ें अब मुझे फेंकनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आके यहाँ पे रिपेयर करने देनी पड़ेगी। आपको कलेक्शन कैसा लगा यहाँ पे? यस, ये लोग ज़्यादा करके जो लेदर में एक्सपर्टीज़ है इनका, सो आई सॉ लॉट ऑफ, दे शोड मी हाउ दे प्रोसेस एंड यू नो हाउ दे डू द चेंजिंग ऑफ द सोल्स एंड फॉर शूज़ एंड बैग्स, सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। आपकी कलेक्शन में आई थिंक बैग्स एंड शूज़ विमेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट एनी रिपेयर्स आई हैव आई एम कमिंग हियर। अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, I think yes, women are getting in parallel with men. In fact, we are going a little more ahead than men. So there is nothing like empowerment now. I think everybody is equal, like we always say. But yes, women are growing and we are reaching at good level. Any fitness mantra you follow? Anything? Regular exercise and a little bit of diet. I'm not a very diet freak, but yes, a little bit of diet. As and when I'm shooting, I have to take care. But other than that, regular workout, exercise is very important. The world is going to celebrate what you are doing. That's why. Anything you want to give about yoga? Frankly, I do not do yoga. I'm not a yoga fan. I love to work out in the gym. I like to jog, run, but I will definitely try some yoga and see how it feels. I wish them all the very best, and they would definitely do very, very well, because there are a lot of people in India and everywhere who own a lot of expensive stuff, so they would come here to get it repaired. Thank you.